20 फरवरी को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव छतरपुर जिले के खजुराहो आकर यहां 50वें नृत्य समारोह का शुभारंभ करेंगे। 7 दिवसीय समारोह की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और इस बार 50वां आयोजन होने के कारण इसे खास बनाने की कोशिशें की जा रही हैं। संस्कृति और विरासत के उत्सव खजुराहो नृत्य समारोह 2024 का शुभारंभ 20 फरवरी को शाम 7 बजे होने जा रहा है। विश्व धरोहर स्थल खजुराहो की धरती एक बार फिर शास्त्रीय नृत्य की गरिमामयी प्रस्तुतियों से गुंजायमान होगी। समारोह की प्रेस वार्ता पर उप संचालक संस्कृति सुश्री वंदना पांडे एवं निदेशक अकादमी जयंत माधव भिसे ने खजुराहो में इसकी पूरी जानकारी दी। गौरतलब है कि 1975 में खजुराहो नृत्य महोत्सव शुरू हुआ था। इस वर्ष अपना स्वर्ण जयंती वर्ष यह मनाया जा रहा है। इस उपलब्धि को खास एवं यादगार बनाने के लिए संस्कृति विभाग द्वारा इस वर्ष कथक कुंभ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पहले दिन यानी 20 फरवरी को कथक नृत्य के 1500 से 1800 कलाकार सामूहिक नृत्य कथक की प्रस्तुति देकर विश्व रिकॉर्ड बनाएंगे। संस्कृति विभाग द्वारा उस्ताद अलाउद्दीन खान संगीत एवं कला अकादमी भोपाल के माध्यम से खजुराहो में प्रतिवर्ष खजुराहो नृत्य समारोह का आयोजन मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग के द्वारा किया जाता है। इस वर्ष इस आयोजन को भव्य बनाने के लिए दूसरी कई गतिविधियां भी यहां जोड़ी जा रही हैं। महोत्सव के दौरान खजुराहो में देश विदेश से पहुंचने वाले सैलानियों को रोमांच का अनुभव भी मिलेगा। मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा विभिन्न रोमांचक गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। रोमांच प्रेमियों के लिए स्काई डाइविंग 20 से 25 फरवरी, कैंपिंग, ट्रेल जॉय राइड, वाटर एडवेंचर, स्पीड बोट, बनाना राइड, शिकारा बाइड, राफ्टिंग, विलेज टूर, ई बाइक टूर, राने फॉल टूर, दतला पहाड़, सेगवे टूर, खजुराहो नाइट टूर, फॉर्म टूर जैसी गतिविधियां भी आयोजित की जा रही हैं। तो तैयार हो जाइए बुंदेलखंड के सबसे बड़े महोत्सव के लिए, जो कि 20 फरवरी से शुरू होने जा रहा है। सभी को नमस्ते। खजुराहो का ये 50वां अंतर्राष्ट्रीय नृत्य समारोह की हम लोग शुरुआत करने वाले हैं 20 तारीख से, जिसमें जो रेगुलर आइटम है वो तो सब हैं ही, इसके अलावा एक नवीन प्रकल्प हमने जोड़ा है, कथक कुंभ इस बार हम करेंगे और उसमें गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए प्रयास कर रहे हैं। और इसके पहले का रिकॉर्ड महाराष्ट्र के नाम पे है और उसके उसमें हमने 1500 को टारगेट किया है, उसके लिए ज़्यादा बच्चों से बात करी है और टारगेट 15 का है, अगर बढ़ा सकेंगे तो बढ़ाएंगे। जो परिसर है मुख्य मंच के सामने का ही, वहाँ पर जो कथक कुंभ आयोजित हुआ है, जिसमें हमारे लक्ष्य में 1600 से अधिक हमें समर्थन जिनका मिल चुका है कलाकारों का, वह आ रहे हैं और उनकी प्रस्तुतियां वहाँ होंगी। एक कलाकार के लिए 6x6 के स्थान को सुनिश्चित करते हुए पूरे परिसर में वो सारे कलाकार रखे जाएंगे। दूसरा जो आपका प्रश्न था, तो बसंत चूंकि ऋतु है तो बसंत को ध्यान में रखते हुए ऐसी पदावलियाँ, उस पर आधारित संगीत संरचना करने के लिए निवेदन किया गया है और इसको कोरियोग्राफ कर रहे हैं सुप्रसिद्ध कथक गुरु राजेंद्र गंगानी जी। तो राजेंद्र गंगानी जी के निर्देशन में ही हम लोगों का आग्रह था कि ऋतु को ध्यान में रखते हुए ऐसी पदावलियां रची जाएं, तो वो स्वतंत्रता उनके पास है कि बसंत को अभिव्यक्त करने के लिए वो किस पदावली का उपयोग करेंगे, लेकिन मूलतः वे बसंत को केंद्र में रखकर ही इस प्रस्तुति को संयोजित करते हैं। भाई सर जी, इस प्रकार से गतिविधियाँ यहाँ होती रही है, चाहे फिर वो कला वार्ता की हो, नेपथ्य की हो, आर्ट मार्ट की हो, ये सारे करीब 12 अनुषंगों के साथ ये महोत्सव होगा। इस बार विशेष रूप से नृत्य गुरु और शिष्य, इन सब लोगों को पद्मश्री, पद्मभूषण या अपने अपने क्षेत्र के ख्याति प्राप्त नृत्य गुरु अपनी प्रस्तुति के साथ एक व्याख्यान भी देंगे, जो लयशाला के नाम से दोपहर को 4 से
पाँच बजे के बीच में, 3 से 5 बजे के बीच में रहा करेगा। 2 सत्रों में होगा वो दोपहर को। उसमें प्रदेश भर से शिष्य और नृत्य के गुरु उसमें शिरकत करेंगे।